कि मैं जो कुछ बोलती हूँ फरिया की मत बोलो उसकी वीडियो आई थी, तो उसने उसमें बोला था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो इन सब चीज़ों से परे है, वो बिजी है अपनी लाइफ में और खुश है, वो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही करना है तो मैं फिर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही करूँगा, उस टाइम पे मैं जॉब नहीं करूँगा। लेकिन भी देखना चाहते हैं आपको, आप अपनी कोई भी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो या फिर कम्युनिटी पर जरूर से शेयर करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत गौर करती हूँ, उसके बाद जो है मेरी वीडियो फाइनली स्टार्ट होती है, तो ठीक है ना, मुझे भी तो अपने बारे में कुछ बोलना होता है, कुछ बातें करनी होती है, लेकिन जब तक मैं भूमिका नहीं बांधूंगी तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बोल लेती हूँ। आज भी मैं थोड़ा सा अपने लिए बोल रही हूँ कि मेरे दांतों को लग गई है नज़र। जी हाँ, ये जो लक्की दांत है इनको लग चुकी है नज़र, और ये नज़र कैसे लगी है ये बताया है मुझे गूगल ने। शॉक्ड ना, गूगल कैसे बता सकती है, तो मैं बताती हूँ कि गूगल ने इसलिए ऐसे बताया कि मैं जो कुछ बोलती हूँ फाइनली, अभी जो गूगल है उसने बोल दिया कि मत बोलो तुम कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो है मत यूज़ करो, वो इसलिए कि मैं अगर बोलूँगी दिवा तो वो लिखेगी विवाह। तो मैंने कहा गूगल ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, तो वो कह रही फिर तुम चुप करो। तो फिर मैंने बोला थैंक यू गूगल, मैं अभी जो है इंग्लिश के वर्ड ना यूज़ करते हुए कोशिश करूँगी कि हिंदी जितना हो सके वो ही बोलूँ, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, वो मेरी गलती नहीं, मेरे दांतों की ही गलती है, कि समझ सकते हो ना आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आई होप मैंने आपको थोड़ा सा बोर जरूर किया है। तो आज का जो वीडियो है वो इधर उधर का ना होते हुए, जो हमारा डेली सोप चल रहा है उसके ऊपर ना होते हुए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर ले, सेम आईडी मेरी इंस्टा पे है, ठीक है जी, और सेम डीपी के साथ मैं वहाँ इंस्टा पर भी हूँ, आप अपने क्वेश्चन वगैरह छोड़ सकते हो। लेकिन जो आज का वीडियो है, मेरे साथ साथ कुछ व्यूअर्स जो हैं, और आपको पता है कि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं, इवन मैं खुद भी, मैं 4 दिन 10 दिन जब वीडियो मेरी नहीं आए तो आप लोग भी पूछते हो कि दीदी क्या हुआ कम। लेकिन जहाँ पर जो मैं बात करने जा रही हूँ वो कौन है, कौन है वो? जी हाँ, वो है अमन बत्रा। तो लास्ट 2 मंथ से उनकी कोई वीडियोस नहीं आ रही हैं, और व्यूअर्स जो हैं मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिम्पल दी अमन का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, क्या कहीं उस ऐसा तो नहीं, क्या कहीं वैसा तो नहीं, या फिर कहीं किसी इन्होंने तो नहीं, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। तो अमन, आपकी मैं यहाँ पर पिक भी थंबनेल पर यूज़ करूँगी, और मैं आप लोगों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कम्युनिटी पर आप जो है एक्टिव रहें, कम्युनिटी पर आप कभी कभी 10-15 दिन में, हफ्ते में एक पोस्ट ज़रूर अपलोड कर दिया करें, पोस्ट ज़रूर शेयर किया करें। वो मैंने इसलिए कहा है कि क्योंकि मुझे पता है अमन बहुत बिजी है। अमन जो है, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अमन के तो उसका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, और आई होप उसने जो केक हाउस खोलने का एक सपना था उसका अपनी बेटर हाफ के साथ, वो भी उसका पूरा हो चुका होगा, है ना, तो वो फिर अपने केक हाउस में भी बिजी होगा, इसलिए उसको टाइम नहीं मिल रहा। अमन, आप अपना जो है प्लीज़ बताएं अपने व्यूअर्स, बिजी होंगे। तो अमन बत्रा ने अपनी जो लास्ट 2 मंथ पहले की उसकी वीडियो आई थी, तो उसने उसमें बोला था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो इन सब चीज़ों से परे है, वो बिजी है अपनी लाइफ में और खुश है, वो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है जी। और सेकंड, अमन ने ये भी बात बोली थी कि मैं इतना ज़्यादा, मेरा शेड्यूल जो है वो बिज़ी है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही करना है तो मैं फिर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही करूँगा, उस टाइम पे मैं जॉब नहीं करूँगा। लेकिन अभी उसकी जॉब से वो सेटिस्फाई है, वो खुश है अपनी जॉब में। सेकंड, उन्होंने बिजनेस भी तो स्टार्ट कर लिए है ना, हिमांशी और अमन जो है वो बिज़ी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी वो उन्होंने बिजनेस केक हाउस का स्टार्ट कर लिया है, जहाँ करना है, जैसा भी है, कौन बताएगा, अमन बताएंगे अपनी वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ अमन, हम सब लोग भी देखना चाहते हैं आपको, आप अपनी कोई भी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो या फिर कम्युनिटी पर जरूर से शेयर करो।
आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि कल की जो मेरी वीडियो थी अच्छी खासी थी, 14-14.5 मिनट की, लेकिन देखी नहीं गई। और कईयों ने तो मुझे बोला कि उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कल, कुछ क्लिप्स भी उसमें से चली गई। क्या प्रॉब्लम, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई या YT की तरफ से हुई? तो ये चीज़ें मेरे साथ कल हुई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ कल हुई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक जीवन का, ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी कभी हो जाता है गलतियाँ इंसान से ही, तो इंसान ही हम लोग भी, शायद मे भी मेरे से ही हो गई हो अपलोड करते हुए कुछ ऐसा। तो आज मैं आप लोगों से एक ये बात भी करना चाहती हूँ कि मैं लाइव जो है वो आऊँगी कहाँ पर, अपने न्यू चैनल पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगी, तो कम्युनिटी जो है वो हर किसी के पास वो नहीं जाती, इसलिए मैंने अपने वीडियो में ही बोल दिया है कि मैं यहाँ पर वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि कल आऊँगी मैं लाइव, और वो मैं आप लोगों के साथ पोस्ट पे शेयर कर दूंगी। ये मैं वीडियो में बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना टाइम, ठीक है जी। लास्ट ईयर मैंने जो है बिग बॉस की लाइव करी थी यहाँ से, तो जिस वजह से जो है मेरी लाइव बंद है, तो मैं यहाँ से लाइव नहीं कर सकती, इसलिए मैं करूँगी लाइव न्यू चैनल पर, ठीक है जी। वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ मेरी कल की पोस्ट आप लोग जरूर से ज़रूर चेक करना, और आज की वीडियो जो है शेयर कर देना, ताकि अमन बत्रा भी देख ले ये वाली वीडियो कि कैसे उसके फ़ैन जो है उसको मिस कर रहे हैं। और उन सब का, आपके व्यूअर्स का अमन मैसेज जो है मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको दे रही हूँ, तो जल्दी से आप अपनी कम्युनिटी पर शेयर करें कि कहाँ हो आप, क्या केक हाउस ओपन हो गया है, या फिर आप अपने इवेंट में बिजी हो, या फिर क्या चल रहा है आपकी और हिमांशी की लाइफ में, तो जल्दी से शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। वो वीडियो जो है किस पर होगी, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मेरी कम्युनिटी की पोस्ट पर प्लीज़ लिखना, क्योंकि अगर 200-250 जहाँ पर कमेंट होते हैं तो मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।